ओके, तो ये कोरोना वायरस है जो अब तक लगभग 7,000 लोगों की जान ले चुका है और आगे न जाने और कितने लोगों की जान लेगा। चाइना, कोरिया, इटली, ईरान, दर्जनों देशों में ये वायरस कहर बरसा रहा है। टॉम हैंक से लेकर ईरान और ब्रिटेन के मिनिस्टर्स तक कोरोना की गिरफ्त में हैं। इलाज अवेलेबल नहीं है, दुनिया भर में लॉकडाउन है, बॉर्डर सील्ड हैं, पूरे के पूरे देश तक क्वारंटाइन हो चुके हैं। एयरपोर्ट, स्टेडियम, मॉल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल या तो बंद हैं या खाली पड़े हैं। IPL पोस्टपोन हो चुका है, ओलंपिक्स खतरे में हैं। इस पैनिक लेवल को, नेवर बिफोर पैनिक लेवल को समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। साल 2008 की आर्थिक तबाही वो एक प्योरली इकोनॉमिक क्राइसिस था। SARS, MERS, इबोला जैसी महामारियां वो प्योरली मेडिकल क्राइसिस थे, लेकिन इस कोरोना वायरस में नई, यूनिक और बेहद डराने वाली बात यह है कि शायद पहली बार आपकी जिंदगी और आपका पैसा, पूरी दुनिया की हेल्थ और इकोनॉमी खतरे में है। ये दोहरा झटका है, डबल वैमी, और इसीलिए खौफ, डर वो भी दुगना है। इस डबल झटके को समझने के लिए हमें कोरोना वायरस क्राइसिस के बाहर भी देखना होगा। इस तरफ ये दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी है जो कि खुद बहुत बुरी हालत में है। 12 मार्च को लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह एक दिन में बाजार इतना गिरा कि 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ठीक उसी दिन 12 मार्च के दिन बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 3,000 पॉइंट गिरा और इंडियन इन्वेस्टर्स के 11.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 16 मार्च को फिर एक बार मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज 2,700 पॉइंट गिरा। लगातार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के हिस्ट्री के सबसे खराब दिन। टोक्यो का निकेई, हांगकांग का हैंगसेंग, शंघाई, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी हो, हेडलाइंस एक ही है, आज बुरी खबर है, कल खबर और भी बुरी हो सकती है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब यहां है, चाइना में। दोनों संकट यहीं से शुरू हुए। चाइना इस डबल झटके की असली वजह है। कोरोना वायरस की बीमारी यहीं से शुरू हुई है और यही चाइना आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नर्व सेंटर बन चुका है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का। इसलिए चाइना में कोरोना की खांसी ने पूरी दुनिया को एक विशाल ICU में डाल दिया है, हेल्थ वाइज भी और इकोनॉमी वाइज भी। बल्कि इस क्राइसिस ने एक बात साफ कर दी है कि ये जो चाइना है ना, इट रियली मैटर्स टुडे। इस बात को ठीक से समझने के लिए, यानी कि व्हाई चाइना मैटर्स, चाइना मैटर क्यों करता है, उसको समझने के लिए चलिए कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर, यानी फन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में बनने वाले सामान का 28% चाइना में बनता है, मतलब 1/4 से भी ज्यादा, और वो भी पूरी दुनिया का सामान। नेचुरली जब कोरोना वायरस ने चाइना को पूरी तरह कब्जे में कर लिया है तो दुनिया का 1/4 सामान दुकानों, बाजारों, वेयर हाउसेस, शिपिंग कंटेनर से गायब हो चुका है। चाइना से जरूरी कंपोनेंट्स आने बंद हो गए हैं तो दुनिया भर की फैक्ट्रियां भी ठप पड़ गई हैं। और चाइना सिर्फ सामान बनाता नहीं है, वो एक बहुत बड़ा खरीदार, कंज्यूमर भी है। ये देखिए, सारी दुनिया में बनने वाला सीमेंट, स्टील, कोयला, उसका आधा हिस्सा 50% चाइना खरीदता है। इसलिए अगर चाइना सीमेंट, स्टील, कोयला और हजारों ऐसी चीजें खरीदना बंद कर देता है तो दुनिया की हजारों फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। इसलिए अगर चाइना सामान नहीं बना रहा है और सामान खरीद भी नहीं रहा है, यानी कि चाइना इज नॉट प्रोड्यूसिंग नॉर कंज्यूमिंग, और किसी को नहीं मालूम कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हजारों लोग या तो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या मर रहे हैं, जिसका कि अभी तक कोई इलाज भी नहीं है। तो साफ हो जाता है कि आपका पैसा और आपकी सेहत दोनों एक साथ एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो चाइना है ना, टुडे चाइना मैटर्स।